So next we'll start with the module 5 because module 5 is much scoring और इसमें से we'll have fixed question कि ये question आता ही आता है, ठीक है? So one of the important question is of KMAP. KMAP का तुम्हारा question definitely you will get it in the paper. 10 marks का 100% आएगा ही आएगा. Next question they can give you based on adder, multiplexer और demultiplexer. Like इन तीनों में से कोई भी एक topic बनता है देने के लिए. Got it? तो सबसे पहले we used to learn about the K-map. मैं थोड़ा सा direct तुम्हें K-map बता रही हूँ. Okay? So we are starting module 5, that is digital electronics part. ये बहुत scoring होता है. एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यू नीड टू लर्न अबाउट द के मैप. यू कैन मार्क इट एज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. के मैप इज बेसिकली इज अ कर्नक मैप. कर्नक इज अ साइंटिस्ट नेम एंड बेस्ड ऑन हिज नेम ही गेव अ ग्राफिकल बेसिकली रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व द वेरिएबल, ठीक है? सो के मैप इज फर्दर डिवाइडेड इन टू three categories. One of the K-map is of two variable K-map, another K-map is of three variable K-map, another K-map is of four variable K-map. ठीक है? Two variable का it means A and B, three variable का it means A and C, four variable का है it means A, B, C and clear? Two variables means 2 raised to power 2, 3 variable means 2 raised to power 3, 4 variable means 2 raised to power 4. 2 raised to power 4, 2 is how much? 4. So, isme kitne boxes bante hain? 4 boxes. 2 raised to power 3 means 8. So, how many boxes we can make it? We can make 8 boxes. 2 raised to power 4 is 16. So for this we can make 16 boxes, basically 4 rows and 4 columns like this. Clear? Any doubt up to here? Next one is the 2 variable. 2 variable ka dekho, A yahan likh lo ya yahan likh lo, one and the same thing. Kisi book mein A B aise paega, kisi book mein A B aise paega. So both are the same thing, you can choose any one. Next isme A B C isme change nahi kar sakte, theek hai? A aise rahega aur B C do hai na yahan pe aayenge, and in this we can write it down as A B C D ya fir vice versa kar lo. Isme vice versa in the sense ki A B yahan pe aur C D yahan pe, again it's your wish. Understood? Note it down. Next one कि A और B है. Like suppose तुम्हारे room में एक bulb है A, तो उसको क्या कर सकते हो? Either off कर सकते हो, बंद कर सकते हो. Off is always represented by zero in terms of digital electronics, and on is always represented by one. Okay? तो या तो ये zero होगा या one होगा. Similarly this one also या तो zero होगा या one होगा. अब इसमें ए में दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो जीरो होगा या वन होगा. बी सी मतलब दो बल्ब है तुम्हारे रूम में, एक बी है और एक सी है. या तो दोनों ही बंद होंगे, या एक बंद होगा एक खुला होगा, या दोनों खुले होंगे, या एक बंद होगा एक खुला होगा, इस तरह से. तो इट वुड बी सीक्वेंस इज 0001 1110. दिस सीक्वेंस यू कांट चेंज इट, द सीक्वेंस विल रिमेन सेम एज इट इज, ठीक है? सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है. अगेन सिमिलरली विल हैव सी डी हेयर और ए बी हेयर, तो क्या सीक्वेंस रहेगी? 00, दो दो बल्ब है ना, तो 01 1110, 00 01 1110, ये सीक्वेंस तुम्हारी रहेगी, ठीक है? क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे हमें बॉक्स के अंदर नंबर है 0, ऐसे छोटे छोटे करने कॉर्नर में 1 2 3. सिमिलरली हेयर ऑल्सो 0 1, हमेशा थर्ड छोड़ते हैं, थर्ड रो छोड़ देते हैं, तो 2 वापस आ जाओ थर्ड पे. 4 5, अगेन यू नीड टू लीव द थर्ड रो. 6 बैक टू द थर्ड रो. 7 0 1, लीव द थर्ड रो. 2
3, 4, 5, leave the third row, 6, 7. Now leave the complete third column. 8, नहीं मैं उल्टा बोल रही हूँ ना, हाँ रो छोड़नी है, पूरी थर्ड रो छोड़नी है, और ये थर्ड कॉलम था. 8, 9, 10, 11, देन 12, 13, लीव द थर्ड कॉलम, 14. ओके, नोट इट डाउन. नेक्स्ट इज यू नीड टू डू द नेमिंग की. अभी ये देखो, ए ज़ीरो है, ज़ीरो इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय बार एंड वन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल अल्फाबेट. ए ज़ीरो है तो इट वुड बी ए बार, बी ज़ीरो है तो इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बी बाय बी बार एंड बी. सिमिलरली हेयर ए बार, देन विल हैव बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड सी बार. नाउ ये वाली नेमिंग तुम लोग करो एंड टेल मी. तो इसकी नेमिंग इज दिस वन. नेमिंग समझ ली? अब लाइक सपोज हाउ यू गेट द क्वेश्चन योर एग्जाम, दे विल गिव यू पर्टिकुलर नंबर्स. लाइक उन्होंने बोल दिया यू नीड टू ड्रॉ द के मैप फॉर सिग्मा एम 1, 5, 9. ठीक है, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि कौन से वेरिएबल पे, ए 2 का, 3 का, 4 का, तो इसके नंबर कहाँ तक जा रहा है? 9 तक जा रहा है. तो क्या 2 वेरिएबल में 9 तक है? ये तो है ही नहीं. 3 वेरिएबल में सिर्फ 7 तक नंबर है हमारे पास, एंड 4 वेरिएबल में 9 तक है, तो हमारा 4 वेरिएबल वाला केम. वन थिंग. सेकेंड थिंग, 1, 3, 5, 9 जो भी इन्होंने नंबर दिए हुए हैं तो यहाँ पे 1, 1 से रिप्रेजेंट, 1 पे 1 डाल, 2 पे भी 1 डाल देना, 5 पे भी 1 डाल एंड 9 पे भी 1 डाल देना. क्लियर? एंड देन यू नीड टू डू पेयरिंग एंड ऑल एवरीथिंग. तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू वी नीड टू अंडरस्टूड द पेयरिंग, कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं एंड देन हाउ वी कैन नेम इट. फ्रॉम द बेसिक आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द 3 वेरिएबल केम ऐप. सो इट वुड बी एज आई टोल्ड यू 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 एंड दिस वन वुड बी बार सी बार, बार सी, सी, सी बार, ए बार एंड राइट. क्लियर? तो अब मैं इस पे क्या कर रही हूँ, नंबर डाल रही हूँ, नंबर डाल के वी नीड टू डू पेयरिंग. सपोज वील हैव 1 ओवर हेयर एंड 1 ओवर हेयर, बाकी सब पे क्या है, 0, 0, 0 है. ओके, तो 0, 0, 0 है तो उसको काउंट नहीं करना, वी नीड टू फोकस ओनली ऑन 1. अब अगर 2 1 हॉरिजोंटली साथ हैं, लाइक जस्ट इमेजिन कि ये तुम्हारे क्लासरूम है. ओके, क्लासरूम में तुम बैठे हो और एक नया नई क्लासरूम है, नया तुम्हारा एडमिशन हुआ है, ये एक है और ये एक है, दोनों तुम साथ में बैठ गए तो तुम दोनों की क्या होगी, फ्रेंडशिप होगी. राइट, फ्रेंडशिप होगी तो तुम्हारी क्या हो गई, पेयरिंग हो गई. अंडरस्टूड? क्लियर? सिमिलरली इफ यू विल हैव वन मोर, कि तुम दोनों अगर ऊपर नीचे आगे पीछे साथ साथ बैठ गए वर्टिकली, यहाँ पे क्या था, हॉरिजॉन्टल था और यहाँ पे क्या था, वर्टिकल था, तो तुम दोनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, मतलब दोस्ती हो जाएगी. तो 2 1 अगर हॉरिजॉन्टली है तो भी हो जाएगी, 2 1 अगर वर्टिकली है तो भी हो जाएगी. क्लियर? अब नाउ द नेक्स्ट थिंग, कि अगर 1 1 इस कोने में बैठा है फर्स्ट बेंच पे और 1 1 इस कोने में बैठा है लास्ट बेंच पे, पर दोनों की रो क्या है, सेम है, सेम रो पे है ना, तो ये दोनों भी आपस में फ्रेंडशिप कर लेंगे. एक पहले बेंच पे बैठा है और एक आखिरी पे, बट सेम रो है, अगर अलग अलग रो होगी तो नहीं होगी फ्रेंडशिप. क्लियर ये चीज? तो 2 1 एक साथ है, 2 1 एक साथ हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली है या आगे पीछे हैं, एक ही रो में है तो हो जाएगी. अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मैम क्या 2 1 की पेयरिंग होगी अगर तुम्हारे पास 3 1 अवेलेबल हैं? राइट, 3 1 अवेलेबल है तो 3 1 की पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल में हमेशा सीक्वेंस कैसे चलती है, 2 रेस्ट पर 1, 2 रेस्ट पर 2, 2 रेस्ट पर 3, 2
2^1 की अगर 2 1 है तो ये साथ में पेयरिंग हो जाएगी। 2^2 मीन्स 4, मीन्स अगर 4 1 एक साथ बैठे हुए हैं तो इनकी पेयरिंग हो जाएगी, और अगर तुम्हारे पास 8 1 बैठे हुए हैं तो इनकी पेयरिंग हो जाएगी। अगर 3 1 है तो इनकी पेयरिंग ऐसे नहीं होगी, इकट्ठे नहीं होगी। अब देखो कैसे होगा, फ्रेंडशिप तो करेंगे ही दोनों साथ, तीनों साथ में हैं। इसने क्या करा, इसने इसके साथ दोस्ती कर ली, ठीक है, पेयरिंग हो गई। अब यार इसे लगा कि यार ये अकेला रह गया पूरी क्लास में, तो मैं इसके साथ भी फ्रेंडशिप कर लेता हूँ। किसी भी वन को अकेला नहीं छोड़ना अनटिल एंड अनलेस वो वन तुमसे दूर बैठा हुआ है, वो वाला फ्रेंड तुमसे दूर बैठा हुआ है, ठीक है। अब सपोज आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, अगर सपोज तुम्हारे पास एक वन ये है, एक वन ये है, और एक वन ये है, और एक वन ये है, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, इनकी दोस्ती। इसने इसके साथ दोस्ती कर ली, ये दोनों वर्टिकली साथ बैठे हुए थे, ठीक है। इसे लगा कि यार ये वाला वन मेरे साथ जो बैठा हुआ है ये अकेला रह जाएगा, इसने इसके साथ भी दोस्ती कर ली, ठीक है। इसने दोनों के साथ दोस्ती कर ली, दोनों पेयरिंग हो गई, अलग अलग नेमिंग हो गई। अब एक वन और बच गया क्लास में, ना तो ये इसके पास है ना ये इसके पास है। डायगनली कभी पेयरिंग नहीं होती है, तो हॉरिजॉन्टली होती है या फिर वर्टिकली होती है। तो अब ये वन अकेला रह गया, इसने किसी के साथ पेयरिंग नहीं करी, ठीक है। तो इस वन की अकेले ही हम नेमिंग करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, नेमिंग तो इसकी भी होगी, बट इसने किसी के साथ भी दोस्ती नहीं करी। क्लियर, बोलो कोई डाउट यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या समझेंगे, इसकी नेमिंग की। पेयरिंग तो हमने समझ ली थोड़ी बहुत, और आगे डिटेल में करवाऊंगी। अब नेमिंग, नेमिंग देखो कैसे करनी है। ये दोनों वन एक साथ हैं, तो सबसे पहले ये वाला वन किसके घर में बैठा हुआ है। लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ए बार, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ए बार है, राइट। ऊपर की साइड से देखेंगे तो बी और सी है, तो ये इसके घर बैठा हुआ है। अगर मैं इस वाले वन की करूंगी तो ये वाला वन किसके घर बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ए बार, ऊपर वाली साइड से देखेंगे तो बी और सी बार। तो अब इन दोनों नेमिंग में जो चीज़ कॉमन होगी वही हमें लेनी है। ए बार कॉमन है, यस ए बार कॉमन है, बी कॉमन है, बी कॉमन है, सी और सी बार कॉमन नहीं है, तो बेसिकली हम ऐसे कह देते हैं सी से सी बार कट गया। तो फाइनल आंसर यू विल गेट इट एज ए बार। एक दो थोड़ा लिख के कर लो, बाकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, देखो यहाँ पे ये दोनों वन ए बार के घर में बैठे हुए हैं तो ए बार तो है हो गई, राइट। ऊपर से देखोगे तो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो इसमें बी हो गया, सी से सी बार हमारा कट गया, डायरेक्ट हो गया। एक दो बार लिख के कर लो, फिर आदत पड़ जाएगी डायरेक्ट करने की। अब इनकी सबकी नेमिंग तुम बताओगे, B² इसका स्क्वायर का क्या आएगा, बार येलो वाले का बोलो और फिर ब्लू क्या आएगा, तो ये इन नेमिंग आएगी। क्लियर है, नेमिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस जो साथ कॉमन है बाकी सब कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। अब इस तरह येलो वाले की नेमिंग क्या आएगी, इधर से देखोगे तो ए बार है, ऊपर से देखो है, और यहाँ से देखोगे तो ए बार है, और यहाँ से देखोगे तो सी। तो लास्ट में तुम्हें फाइनली आउटपुट हाउ ने राइट डाउन, y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस बार, ठीक है। अब इसको तुम फर्दर सॉल्व कर सकते अपने अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग इन द ए बार कॉमन ले लो तो लेफ्ट विद प्लस, गॉट इट। अब चलो एक और दे रही हूँ, तो एक और मुझे करके देख, अगर ये तुमने कर दिया देन यू मतलब कि तुम्हें आ गया, अब थ्री वेरिएबल का ये है, देन विल प्रैक्टिस फॉर मोर फॉर वेरिएबल, क्विट। तो एक इसमें इसकी पेयरिंग हो गई, एक इसमें इसकी, वन थिंग यू, अगर कोई अकेला वन रहता तो ही ओवरलैपिंग होती है, मतलब या तुम्हारा कोई फ्रेंड अकेला रह गया क्लास में, कोई अकेला रह गया, तब दो जनों के साथ दोस्ती कर, साथ भी कर ली, वो अकेला रह गया तो चल मैं दूसरे के साथ भी दोस्ती कर, तो
इस केस में क्या कोई अकेला बन रहा है? इसने कर ली इसने दोस्त, कोई अकेला बन रहा है? नहीं ना, तो ये दोनों आपस में दोस्ती नहीं करेंगे, ये ब्लू वाला केस नहीं आएगा। तो हम टेक्निकली क्या, रिडंडेंट ब्रांच, रिडंडेंट ब्रांच नॉट, तुम्हें सिर्फ ग्रीन वाला और येलो वाला करना। ओवरलैपिंग होती है, लाइक लास्ट केस में मैंने ओवरलैपिंग करी थी, वो अकेला बन रह गया। हमें किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना जब तक वो हमारे पास ना बैठा हो, दूर ना बैठा हो। तो इसमें दोनों की दोस्ती हो गई, कोई भी वन अकेला नहीं रहा, तो पेयरिंग नहीं होगी। ज़्यादातर तुम्हें सो दैट स्टूडेंट्स और उनका पूरा 10 मार्क्स गलत हो। तो दिस ब्रांचेस नॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले की पेयरिंग करो। देखो मैंने बताया था 4 1 है, तो ये करना कि 2 1 की पेयरिंग कर दी, 2 1 की पेयरिंग, 4 की एक पेयरिंग हुई। सोचो मैं टीचर ने कुछ प्रोजेक्ट दिया है, उसमें 4 बंदे होंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, काम फर्दर डिवाइड हो जाता है 4 में। इंस्टेड ऑफ मेकिंग 2 पेयर बनाओ, वो नहीं बनाने, एक बड़ा पेयर बनाना, 4 का एक सिंगल। अब इसका मुझे क्या आएगा तुम्हारे पास, तो इसकी नाउ नेक्स्ट वी नीड टू मूव टूवर्ड्स द 4, बिकॉज पेपर में तुम्हारे 4 वेरिएबल ही आएगा आने के लिए, कौन बी एबल 4 वेरिएबल। लाइक सपोज दिस ए बी, एज आई टोल्ड यू 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये कितना सी बार 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 डी बार बी एंड बार, करेक्ट। तो इसमें अब मैं क्या करती हूँ, इसमें 1 डाल देती हूँ। अकॉर्डिंगली यू शुड मेक पेयरिंग। और अब सपोज हमारे पास 4 1 है, इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल है। और सपोज इफ विल हैव 4 1 वर्टिकली, तो इन क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। एंड सपोज इफ विल हैव ऐसे है, 2 1 ऐसे हॉरिजॉन्टली और 2 1 ऐसे। अगर सपोज इफ विल हैव 2 1 ऐसे और 2 1 ऐसे, 4 1 एक साथ है, 4 की पेयरिंग हो जाएगी, ओके। एंड नेक्स्ट इफ विल हैव 2 1 ऊपर हैं और 2 1 नीचे हैं, बट दे आर एट द सेम कॉलम, सेम कॉलम में हैं, तो इनकी पेयरिंग। अगेन इफ विल हैव सपोज 2 1 इधर हैं, सपोज इफ विल हैव 2 1 इधर और 2 1 इधर, तो इनका क्या है, एक फर्स्ट बेंच पे बैठा है, एक लास्ट बेंच पे बैठे हैं, बट दोनों की रो क्या है, सेम है, तो पेयरिंग हो जाएगी। लास्ट बट एक एक कोने में 4 बच्चे बैठा दिए, ठीक है, ताकि तुम लोग चीट ना कर पाओ, एक उस कोने में, एक इस कोने में, एक इस कोने में, बट तुम लोग तो इन 4 की पेयरिंग एक सिंगल पेयरिंग हुई, ठीक है। दिस आर द मोस्ट पॉसिबल कॉम्बी। नाउ यू नीड टू टेल मी द नेमिंग फॉर द फर्स्ट वन, पर सी बार से सी कट, बार से सी कट, बार से डी कट, पर सारा कट जाए, तो व्हाट इज लेफ्ट, बार बार, ठीक है। नाउ सिमिलरली टेल मी फॉर दिस बार डी बार, करेक्ट, सारा कट, राइट। नाउ टेल मी फॉर दिस वन, बार जाएगा इधर से देखोगे तो बी कॉमन है, इधर से एक का, और ये, एंड फॉर दिस वन टेल मी क्या रहा है, पहले वाले डिवाइड, और
पर नेमिंग नहीं, सॉरी, पेयर पेयर्स बने क्या क्या पेयरिंग प्रेफर्ड ज्यादा नंबर वन से पेयरिंग हो सकती है की भी पेयरिंग हो सकती है मैक्सिमम नंबर वन है और ये वन अकेला राइट करी थी पेयरिंग कल एक सी बी डी एंड ब्लू ए बार सी बार गॉट इट कैन यू डू फाइनल फोर बिट फुट रिप बाइनरी तो चार वेरिएबल इनपुट 2^4 क्या हो गई कभी भी 16 इनपुट्स होती टेबल में पर 0 5 8 बार 1 फिर अगेन 4 बार 0 चार बार एन पर 0 तो 101 ऐसे टेप देन टर्म्स इन पे 1 आएगा तो हेयर प्रेजेंटेड बाय स्टार्ट कर दिया 3 5 6 कहाँ तक जाएगा 5 तो 0 1 इन्होंने दो एम वन नहीं फिर 2 पे 1 आ जाएगा 3 पे भी 4 पे भी 5 पे 0 पे भी 9 पे एंड सो कंप्लीट द टेबल दिस इज द ट्रूथ टेबल क्या है टेबल है अब उसके बेसिस पे यू नीड टू ड्रॉ द ए मैप राइट ए मैप ड्रॉ करोगे कैसे ए मैप तुम ड्रॉ करा चार वेरिएबल का है चार वेरिएबल वाला के मैप अब जो जो इन्होंने नंबर दिए हुए हैं पे दिया हुआ है 1 लिख दो पे दिया हुआ है तो 2 पे 1 लिख 4 पे दिया हुआ है तो 4 1 लिख दो फोन उन सब पे 1 लिख दो तुम्हारी क्या हो जाएगी नेमिंग पेयरिंग होएगी फिर नेमिंग होएगी चार की दो पेयरिंग हो रही है येलो वाले का यू बार ओनली बार प्लस ठीक है नाउ दे सेट डिटरमाइन द मिनिमम एक्सप्रेशन फॉर द फंक्शन योर मिनिमम एक्सप्रेशन फंक्शन नाउ दे सेट ड्रॉ द लॉजिक सेट ओनली एंड और नॉट गेट तो आई थिंक यू नो अबाउट द गेट अगर मुझे ये तो राइट बार है तो अगेन नॉट बार है तो बार आगे सी और ए का कॉम्बिनेशन डिवाइड बाय एप्लीकेशन एंड गेट इन बार ए का और गेट और के लिए एडिशन फाइनल एक्सप्रेशन आर प्लस तो ऑल द पार्ट्स आर इट आउट प्लस लिस्ट आउट टू एडवांटेजेस ऑफ के मैप
मैप का एडवांटेज मैप इट इज तो बहुत ही जल्दी बनाया जा सकता है और कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। जैसे चार वेरिएबल है, जैसे जनरली पांच वेरिएबल का है, अलग अलग होता है, इसमें कुछ ज़्यादा मैंने और ये इम्पोर्टेंस सब क्या लिखना है। इसकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर तुम इसको लॉजिक गेट से यूज, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट अब इसको है 1, 4, 6, 9, 13, 14, 15, राइट? ये है। अब इसमें पेयरिंग करनी है 4, 6, 10, 13, 14, 15। तो क्या क्या हो, चार की एक उसके बाद दो की हो राइट, उसके बाद ऊपर वाले दो जाएगी और फिर तुम्हारी ये दो बचे हैं। वो 3, 4, 5, 5 पेयर नेक्स्ट को थोड़ा सा टाइप का कर, उन्होंने नंबर्स के फॉर्म इस फॉर्म में दे दिया वे राइट। अब देखो इस कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तुम ए बी कहाँ पे है, यहाँ पे, और सी कहाँ पे है, हो जाएगा 1 ऊपर से और यहाँ से। नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है ए बार, बार कहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट में, और सी बार डी बार, सी बार डी बार 1 यहाँ पे हो जाए राइट। अब तुम्हें कहाँ दिक्कत है, बार सी हल लीजिए बार। अगर तुम्हें थोड़ा सा बुलियन क्लॉज आते हैं तो तुम होगा बार कितना होता है, 1 होता है, या फिर अगर मैं कहूँ डी बार कितना होता है, पढ़ा है ये याद रख ले, प्लस सी बार हो या ए प्लस ए बार हो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे डी तो मैंने डी बार लिख दिया, 1 को मल्टीप्लाई कर सकते, ब्रैकेट खोल लो, ए बार सी प्लस बार सी बार। अब हमारे पास चार टर्म्स आ गई ना, ए बार यहाँ पे है और ली बार ये और बार 1 यहाँ। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्या है, हमें चार वेरिएबल, मैं क्या करती हूँ पहले सी बार से मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करेंगे आ गया ए बी प्लस ए बी बार। अब ये तीन टर्म्स हैं, मुझे चार चाहिए, बार से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी प्लस डी बार से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो प्लस ए बी बार ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट ए बी बार डी प्लस ए बी बार बार, चार टर्म्स आ गए हमारे पास। तो ए बी सी ऑलरेडी था, हमने कर लिया था, बता दूँ ए बी सी डी बार, ए बी यहाँ पे है, सी डी बार यहाँ पे है, ए बी बार डी ए और बार डी यहाँ पे होगा, ए बी सी बार डी बार यहाँ। तो ये आ गया तुम्हारा एक्सप्रेशन से के मैप। पेयरिंग देख, चार एक साथ, चार एक साथ, मैंने चार चार की प्रेफर, और ये चार मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ वंस इंक्लूड ज़्यादा बेटर है, 90% ऑफ यही करेंगे।
वहां पे पूरा क्वेश्चन गलत। ठीक,